खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बनाने वाली हूँ मैं अपनी डेली रूटीन पे, और तकरीबन सुबह 8 बजे का टाइम आया और मैं यूनी के लिए तैयार हो चुकी हूँ। अब चलते हैं यूनी और दिखाते हैं आपको साथ के साथ सब कुछ। हम स्टूडेंट्स को लोकल पे जाना पड़ता है क्योंकि यूनी के पॉइंट्स तो हैं बट टाइमिंग आगे पीछे होती है क्लासेस की, इसी वजह से लोकल पे जाते हैं। घर से निकल चुकी हूँ और रास्ते से हम लेते हैं रिक्शा या ऑटो जो भी मिला और पहुंचते हैं यूनी और करवाते हूँ आज मैं अपना आपका अपनी यूनी का टूर। मेरा डिपार्टमेंट है BSCS बट यहाँ जो यूनिक है ये हालात तक सबसे गंदे वाला जो डिपार्टमेंट है ना वो हमारा है ना। सफाई बट पढ़ाई के लिहाज से अच्छा है, सफाई वगैरह वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती। अपने डिपार्टमेंट में हमारी क्लास में लेक्चर हो रहा है और हम जो है लेक्चर बंक करके आ चुके हैं। ये 3 नमूनियाँ ये है, एक नमूनी ये चल रही है। जी मैं व्लॉग बना रही हूँ। ये हमारा फिजिक्स डिपार्टमेंट है। एक लड़की रमजान के महीने में पानी भरते में पकड़ी गई। अपना डिपार्टमेंट छोड़ के बाकी सारे डिपार्टमेंट घूमते हैं, हमारे लेक्चर हो रहे होते हैं और हम बाहर घूम रहे होते हैं। मैं क्यों बस करूँ, हम सारे लेक्चर लेते हैं बदतमीज़, हम लेक्चर छोड़ के भागते हैं सारे। पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट है। आए मरियम तेरी कट कर दूंगी, बहुत सा रही हूँ। ये पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट में गुस्सा आया है। घूमते घुमाते पता नहीं कहाँ पे पहुँच गए हैं लड़ते लड़ाते।
का दरख्त है आई थिंक। ये हमारा बैकग्राउंड है बड़े वाला, यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह हो रही होती हैं। बाकी सारे डिपार्टमेंट भी साथ के साथ दिखाते हैं आपको फ्री होके। और ये हमारे डिपार्टमेंट में जो है काफ़ी ज़्यादा अमरूद के पौधे लगे हुए हैं। सारे जो लेक्चर हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म, ऑलमोस्ट मतलब क्या ख़त्म ही हो गए हैं सारे। अब हम वेले हैं और दो दोस्तों को लेट लेने आते हैं, इसकी वजह से हम जा रहे हैं वेटिंग एरिया में। और मज़े की बात यह है कि हमारे डिपार्टमेंट में वेटिंग एरिया नहीं है, हम किसी और डिपार्टमेंट में घुस के वहाँ के वेटिंग एरिया में जाके बैठते हैं और वहाँ पर फुल हमारी दहशत होती है। बड़ा ग्राउंड है और हम पागलों की तरह घूम रहे हैं फुल धूप में रोजे के साथ। हम पहुंच चुके हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और अब यहाँ पे चलते हैं इनके वेटिंग रूम में और जमाते हैं अपना कब्जा। है रूम फ्री? ये हमें एक अदद रूम फ्री मिल जाता है और हम फिर सारा दिन यहीं पे तकरीबन 12 बजे तक। मैं कॉलेज से आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी इसकी वजह से मैं सो गई। अब तकरीबन 4 बजने वाले हैं, 3:30 का टाइम है और अब मैं उठी हूँ। अब मेरा हो चुका है अकेडमी का टाइम, अब चलते हैं अकेडमी, फिर वहाँ से आएंगे इफ्तारी वगैरह बनाएंगे, दिखाते हैं आपको साथ के साथ। हम चलते हैं एकेडमी। जल्दबाजी के चक्कर में मैं जूता चेंज करना भूल गई हूँ और मैं यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया था, मैं वैसे ही आके सो गई थी। अब वैसे उठ के वहाँ पे जा रही हूँ, अब एकेडमी से आके चेंज करूँगी। ये मैं जा रही थी रास्ते में, ये मुझे प्यारी सी बतख मिल चुकी है। अब चलते हैं एकेडमी की। ट्यूशन पढ़ा के हो चुकी थी मैं फ्री और तकरीबन 5:30 हो चुके हैं। अब घर चलते हैं, देखते हैं इफ्तारी में क्या बनता है।